नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप इंडियन गैस का नया कनेक्शन लेते हो तो उसका कितना चार्ज आपको पड़ेगा। नया गैस कनेक्शन लेने के लिए आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे भाई, ए टू जेड मैं आपको सभी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। देखो, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने इंडियन ऑयल का ही ऑफिशियल साइट को खोल के रखा हुआ है, जहाँ से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात को समझने का प्रयास आप कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, दो प्रकार के चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। पहला, सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज लिया जाता है, ठीक है। देखो मेरे भाई, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज होता है ना, ये आपका एज अ सिक्योरिटी के लिए लिया जाता है। सिक्योरिटी मनी, जब आप अपना नाम गैस कनेक्शन से कटवा लोगे ना, तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का चार्ज लगता है। और दूसरा चार्ज लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। अब एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज का कहने का मतलब ये हुआ कि आपके घर के अंदर जो है वो इंडियन गैस का इंस्टॉलेशन वो लोग करेंगे आकर के, ठीक है। इसके लिए ये लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से चार्जेस हैं, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि जो आप 5 KG का कनेक्शन अगर लेते हो तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 1150 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। 1150 का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। वहीं आप जो है वो देखो, यहाँ पे कह रहा है 5 KG कंपोजिट LPG सिलेंडर, तो इसका 2200 लगेगा। 2200 कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, कंपोजिट इसके अंदर आपका सिलेंडर में गैस भरा रहेगा, ठीक है। जो 5 KG का गैस है ये भी इसमें इंक्लूड रहेगा, और आपको इसमें 2200 रुपये का चार्ज जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप 10 KG का कंपोजिट सिलेंडर लेते हो जिसमें गैस आपका रहेगा भरा हुआ, ये आपको खाली सिलेंडर मिलेगा जो ऊपर वाला देख रहे हो ना आप, इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 1150 जमा करना होगा और फिर आपको खाली सिलेंडर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 10 केजी का जो कंपोजिट सिलेंडर आप लेते हो तो 3000 रुपये आपको पे करना होता है। इसमें आपका जो सिलेंडर रहेगा और साथ में गैस भरा मिलेगा, ठीक है। वहीं आप 14.2 KG का सिलेंडर लेते हो, अगर देखो रेस्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, ये 7 राज्य आते हैं। इन 7 राज्य के अलावा भारत के बचे हुए राज्य में से आप लेते हो तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 2200 रुपये जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो कह रहा है 14.2 KG LPG सिलेंडर 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो 7 मैंने नाम बताया आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये 7 राज्य के अंदर आप लेते हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में आपको 2000 रुपये जमा करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का चार्ज लगता है, और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज आपको 118 रुपये देना होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज मैंने आपको बताया कि ये इंस्टॉलेशन चार्ज होता है, अब वो आपके घर तक पहुंचा देंगे और साथ में इंस्टॉल कर देंगे, इसका चार्ज ये लोग 118 रुपये लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो रहा दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट का चार्ज, और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है ये हुआ, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक ओवरऑल जानकारी देना चाहता हूँ। देखो, 2200 रुपये आप मोटा मोटी लेकर चलो कि 2200 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज लगेगा, और ये 2200 रुपये जो है वो आप गैस कनेक्शन से नाम कटवा दोगे तो उस समय वापस मिल जाएगा, ठीक है। 118 रुपये के आसपास आपका जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लगेगा, जो इंस्टॉलेशन चार्ज होता है, जो आपके घर तक वो लोग डिलीवर करेंगे, लगा देंगे, सारा कनेक्शन कर देंगे, ये चार्ज लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, रेट जो है वो गैस का घटता बढ़ता रहता है, तो आप मान के चलो कि 1000 रुपये आपका गैस का कीमत, ठीक है। गैस भरा तो आप लोगे ना, खाली सिलेंडर तो आप नहीं लेकर के आओगे, सिलेंडर मिलेगा आपको, ठीक है। 2200 रुपये डिपॉजिट करोगे तो वो सिलेंडर खाली मिलेगा। भाई 1000 रुपये के लमसम लेके चलो कि गैस भरने में आपको लगेगा 14 किलो का, मैं 14 किलो का ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, जो जनरली लोग जो है वो घर के अंदर यूज में लाते हैं, ठीक है। तो 1000 रुपये आपको गैस भरने का पैसा लग जाएगा। और फिर दोस्तों, इतना करने के बाद आप मोटा मोटी लेके चलो भाई, गैस सिलेंडर लेकर के आओगे, गैस भरवा करके भी लेके आओ तो आओगे, अगर आपके पास चूल्हा नहीं तो चूल्हा भी लेना पड़ेगा। तो चूल्हा जो होता है दोस्तों वो अलग अलग कीमत का होता है, तो अगर 2 मुंह वाला चूल्हा लेते हो तो औसतन इसका भी आपको 1500 के आसपास चूल्हा का लगता है, ठीक है, 1500 के आसपास चूल्हा का लगता है। और भाई जब चूल्हा लोगे तो चूल्हा के साथ में जिससे गैस बाहर निकलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं LOT बॉल्ब, ठीक है, LOT बॉल्ब बोलते हैं, तो उसका औसतन आपको 400 रुपये के
आसपास चार्ज लगता है, ठीक है, जो वॉल्व जिससे गैस बाहर निकलता है, ठीक है, इसका 400। और फिर पाइप, भाई पाइप भी तो चाहिए गैस से लेते जाने के लिए चूल्हा तक, तो पाइप का औसतन आप लेके चलो कि 100 रुपये के आसपास चार्ज लगता है, ठीक है, 100 रुपये के आसपास चार्ज लगता है। तो मैं एक बार फिर से बता दूँ, 2200 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा, ये आप गैस कनेक्शन नाम कटाओगे तो ये लोग वापस कर देंगे 2200, 118 रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, 1000 रुपया गैस भरने का, और 1500 के आसपास आपका जो है ये यहाँ पे जो 1500 मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपको यहाँ चूल्हा, ठीक है, और गैस पाइप हो गया। तो औसतन अगर लेके चले दोस्तों तो औसतन आपका 4500 के आसपास खर्चा बैठ जाएगा, ठीक है, 4500 के आसपास खर्चा बैठ जाएगा यदि आप 14.5 किलो वाला गैस सिलेंडर को लेते हो, ठीक है। तो इतना चार्ज आपको एटलीस्ट पे करना पड़ेगा। ये आपको नज़दीकी जो इंडियन गैस का होगा सेंटर दोस्तों, वहाँ पे आप जा करके ले सकते हो, आसानी से वहाँ से गैस कनेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, ठीक है, ताकि जो सब्सिडी का पैसा होता है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र हो सके। तो मोटा मोटी आपको 4500 के आसपास खर्च लगेगा, और साथ में ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, एक आपका आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक, बस दोस्तों, फिर आसानी से अपना गैस कनेक्शन ले सकते हो और आसानी से अपने घर के अंदर गैस को इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ मैंने आपको सारी जानकारी एक वीडियो में देने के प्रयास की है। मेरे भाई अगर किसी भी प्रकार का कोई इशू आता है, डाउट हो या प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।